नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल भट्टरे ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं विशाल एस्ट्रो में। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, बहुत दिनों से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी लोग आंसर कर रहे थे कि आप रत्नों के बारे में जानकारी दें, तो उसके विषय में अब आने वाले कुछ एपिसोड हम रत्नों के बारे में चर्चाएँ करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से मैं ये बता दूँ कि किस लगन वाले को, राशि नहीं लगन वाले को, तो इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं कि लगन क्या। जो जन्म कुंडली होती है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है प्रथम हाउस, वहाँ नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऐसे कुंडली चलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 12 तक प्रथम हाउस होता है, तो वहाँ से लगन होती है। अगर वहाँ 2 नंबर लिखा है तो वृष लगन हो गई, 5 नंबर लिखा है तो सिंह लगन हो गई। तो लगन के अनुसार व्यक्ति को कौन से रत्न धारण करने चाहिए, इस एपिसोड में सबसे पहले हम जल्दी से ये बात करते हैं। तो जिनकी मेष लगन होती है वह मूंगा धारण कर सकते हैं, वह लोग माणिक धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं। अब इनमें से कौन से ज़्यादा बेस्ट हैं वो किसी एस्ट्रोलॉजर से ही आप अपनी जन्म कुंडली दिखवा के पता करें, वो बाकी के रत्न धारण नहीं कर सकते। ये इसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि वो डायमंड नहीं डाल सकते, ओपल नहीं डाल सकते, नीलम नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसके बाद जो वृष लगन वाले लोग हैं वह डायमंड डाल सकते हैं, ओपल डाल सकते हैं, नीलम डाल सकते हैं, पन्ना डाल सकते हैं, और बाकी के रत्न वह नहीं धारण कर सकते। इनमें से कौन से बेहतर है वो आपकी जन्म कुंडली देखकर प्रॉपर पता लगेगा। मिथुन लगन वालों के लिए पन्ना और आपका हो गया ये नीलम और हो गया ओपल, ये 3 रत्न आते हैं। इनमें से कोई सा भी जो बेस्ट है, 2 या 3 रत्न या 1 रत्न कोई भी। कर्क लगन वालों के लिए मोती हो गया, माणिक हो गया, पुखराज हो गया और मूंगा हो गया, लाल या वाइट, वो आपकी कुंडली देखकर। सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन वालों के लिए माणिक होता है, मूंगा होता है, पुखराज होता है। पुखराज भी कई तरह का होता है, ऑरेंज पुखराज होता है, येलो पुखराज होता है, पिंक पुखराज होता है, ग्रीन पुखराज होता है, जिसकी जिसके लिए आप मान लीजिए कि बुध और बृहस्पति का कम्बिनेशन देना है, क्योंकि तो वो पन्ना डाल नहीं सकता तो ग्रीन पुखराज डलेगा वहाँ पर उसको। तो ये सब कम्बिनेशन होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे आने वाले एपिसोडों में। अभी शॉर्ट में मैं आपको लगन के साथ में जानकारी दे रहा हूँ। कन्या लगन वालों के लिए बात करेंगे, कन्या लगन वालों के लिए पन्ना धारण कराया जा सकता है, ओपल धारण किया जा सकता है, कहीं ना कहीं हद तक जो नीलम है धारण कर सकते हैं, लेकिन चेक करना पड़ता है। तुला लगन वालों के लिए ओपल बनता है, पन्ना बनता है और इसके बाद में नीलम बनता है। नीलम कौन सा? पीताम्बरी नीलम, मोरपंखी नीलम, के ब्लू नीलम, के पर्पल नीलम, वो आपकी जन्म कुंडली से पता लगता है। इसके बाद अगली लगन आ गई वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले मूंगा डार धारण कर सकते हैं और माणिक धारण कर सकते हैं, पुखराय धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं। कौन सा बेस्ट है वे अपनी जन्म कुंडली दिखवाएं। धनु लगन वाले पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं। मकर लगन वाले लोग नीलम, पन्ना और ओपल। इसके बाद आती है आपकी कुंभ 11वीं, तो ये भी नीलम, पन्ना और ओपल। लास्ट आती है मीन लगन। मीन लगन वाले लोग मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, माणिक धारण कर सकते हैं। तो ये मैंने कम्बिनेशन बताई हैं आपको एक जर्नल कि ये कम्बिनेशन होते हैं जिनको धारण किया जा सकता है। इसके उल्ट पुल्ट नहीं धारण कर सकते। ऐसा नहीं है किसी ने आपको मूंगा डलवा दिया और साथ में शनि का रत्न जो है नीलम डलवा दिया, वो कम्बिनेशन खराब हो जाता है। किसी ने पुखराज डलवा दिया, पुखराज के साथ में ओपल डलवा दिया, वो कम्बिनेशन खराब हो जाता है। वो बहुत ही रेयर केस होता है और थोड़ी देर के लिए डाले जाते हैं, कोई दशा महादशा कुछ ऐसी आ रही है टेम्परेरी तौर पर। लेकिन जो जन्म के अनुसार जो आपकी कुंडली है, बेसिक रत्न जो आपको लाइफ टाइम के लिए डालने हैं, यही कम्बिनेशन होते हैं, इनके अनुसार ही आपको धारण करना चाहिए। आने वाले एपिसोड में मैं आपको इनके कम्बिनेशन बताऊंगा कि किस प्रकार से धारण करने चाहिए, राशि के अनुसार क्यों नहीं धारण करने चाहिए, क्या नुकसान हो जाता है,
या केवल रत्न बनवाया डाल लिया, उसका क्यों नहीं फायदा होता है, इनकी भी जानकारियां मैं आपको दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर जरूर करें, बेल आइकॉन दबा के रखें, प्रेस करके रखें, जिससे नई नई वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। ये है रत्नों का रहस्य का पार्ट वन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और भी रत्नों के बारे में जानकारी के लिए। इतना ही कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।